नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। महाबोधि मंदिर में विस्फोट का मामला, 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा, 3 को उम्र कैद। महाबोधि मंदिर में विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में 8 दोषी करार दिए गए हैं, जिसमें 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है, बाकी 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि महाबोधि ब्लास्ट और कालचक्र मैदान के अलावा कई स्थानों पर 19 जनवरी 2018 को IED ब्लास्ट हुए थे। इस कांड में कुल 9 आरोपी थे, जिसमें 8 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद पटना की NIA कोर्ट ने इसी 10 दिसंबर को इन सभी आतंकी गतिविधियों, देश विरोधी, विस्फोटक अधिनियम समेत और अन्य धाराओं में दोषी करार दिया गया था। आज इस मामले में सजा का ऐलान होना था। पटना NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में 8 दोषी करार दिए गए थे, जिसमें 5 अभियुक्तों को 10 साल की सजा दी गई है, बाकी 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें अहमद अली, पैगंबर शेख, नूर आलम को उम्र कैद की सजा और 5 आरिफ हुसैन, मुस्तकीम, दिलावर हुसैन, अब्दुल करीम, मुस्तफिजुर को 10 साल की सजा मिली है। बिहार में इन स्कूलों के स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे मैट्रिक परीक्षा अगर 2 दिनों में पूरा नहीं किया ये काम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अगले साल मैट्रिक परीक्षा देने वाले 25 स्कूलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य फंसा दिख रहा है। अगर 2 दिनों के अंदर ये स्कूल से अपनी गलती नहीं सुधारी तो इन स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अब बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है। वहीं बोर्ड ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन 25 स्कूलों के बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किए जाने में तकनीकी रुकावट खड़ी हो गई है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए इस मामले में जानकारी दे दी है। वहीं बोर्ड का कहना है कि मैट्रिक परीक्षा में केवल वही छात्र छात्रा शामिल होने के लिए पात्र होंगे जो अपने स्कूल के स्तर पर सेंटअप परीक्षा पास कर चुके हैं। बोर्ड सूत्रों के मुताबिक पटना जिले के 8, कैमूर के 4, गया के 6, औरंगाबाद के 3, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, बक्सर जिलों के 1-1 स्कूल ने अभी तक सेंटअप परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का विवरण बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया है। साथ ही बोर्ड ने कहा है कि ये सभी स्कूल हर हाल में 22 दिसंबर से पहले सेंटअप की परीक्षा का रिजल्ट उपलब्ध करा दे, इसके बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र जारी किया जा सकेगा। पटना में 4 कोरोना केस मिले, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हुए संक्रमित। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के लिए राहत की बात यह है कि यहां अभी कोरोना के केसों में इजाफा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की रविवार की रिपोर्ट में राज्य में कोरोना के नए 6 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 85 हो गई है। बिहार में ओमिक्रॉन के 1 भी मामले नहीं मिले हैं। बिहार से दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भेजे गए 31 सैंपलों की जीनोम सिक्वेंसिंग के बाद उसमें ओमिक्रॉन वायरस नहीं पाया गया है। इन सभी सैंपलों में डेल्टा प्लस वायरस की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की और बताया कि NSDC दिल्ली से अभी 31 सैंपलों के जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जूनियर डॉक्टर और MBBS इंटर्न का आज से कार्य बहिष्कार। PMCH समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में OPD सेवा प्रभावित। PMCH समेत राज्य भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर और मेडिकल इंटर्न आज से कार्य बहिष्कार करेंगे। वे न तो OPD में और न ही इमरजेंसी में अपनी सेवा देंगे। यह घोषणा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन सुमन ने रविवार शाम को दी है। डॉक्टर कुंदन सुमन का कहना है कि इससे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। संघ ने सरकार के समक्ष 5 मांगे रखी है। उन्होंने बताया कि मांग को पहले भी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा गया था। बता दें कि अक्टूबर में इंटर्न छात्रों ने मानदेय 15,000 से 24,000 करने के लिए कार्य का बहिष्कार भी किया था। स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर उसे 1 दिन में ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा कोरोना काल में 1 माह का ज्यादा मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में देना हो या DM या MCH जैसे हायर कोर्स करने के लिए PG कोर्स के बाद 1 साल की नौकरी के बॉन्ड से मुक्ति का मामला सभी पहले से हेल्थ डिपार्टमेंट के संज्ञान में है। बार बार कोशिश करने के बाद भी सरकार इन मामलों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है, इसीलिए वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।
बिहार में बढ़ रही है शीतलहर, जल्द ही स्कूल बंद करने का आदेश दे सकती है सरकार। बिहार में इस समय ठंड का कहर जारी है, पछुआ हवा से कनकनी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर सकती है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है। मीटिंग में ये तय हुआ है कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे हुआ तो स्कूलों में सुबह की कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। फिलहाल बिहार में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में शीतलहर बढ़ सकती है, इससे बच्चों और उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ सकती है। इसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने इस आशय का आदेश सभी डीओ को जारी कर दिया है। बिहार में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव की तिथि घोषित, जारी किया गया दिशा निर्देश। बिहार में अभी अभी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई है, जिसमें बिहार में पंचायत राज संस्थाओं के 6 मुख्य पदों ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के पदों के चुनाव 11 चरणों में पूरे किए गए। अब जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उप मुखिया, उप सरपंच, पंचायत समिति प्रमुख के चुनाव की तिथि शनिवार को जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने शनिवार को राज्य के सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार नवगठित ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों को जिला गजट में प्रकाशित करने वाली निर्वाचन सदस्यों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा शपथ दिलाने और उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत की पहली बैठक से अगले 5 वर्षों के लिए पंचायत का गठन होगा। बिहार में ई क्लिनिक की शुरुआत, बड़े डॉक्टरों को दिखाने के लिए अब लोगों को दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। राज्य की स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने के लिए ई क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ई क्लिनिक की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि बिहार में तत्काल 100 क्लिनिक काम करेंगे, इसके बाद इसकी संख्या बढ़ेगी। ई क्लिनिक के साथ अगले वर्ष में 1 करोड़ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। चिकित्सा की यह नवीनतम विधि जिप्फी हेल्थ बिहार में लेकर आई है। ई क्लिनिक की लॉन्चिंग के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। बिहार के पढ़े लिखे लोग पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में खास बात यह है कि दुनिया में ख्याति अर्जित करने के बाद लोग अपने बिहार की उन्नति के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोग बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय है। बिहार में बड़ी बेरोजगारी दर, पहले नंबर पर है हरियाणा, झारखंड की स्थिति ठीक। अभी कुछ दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी राज का दर्जा मिल चुका है, इस पर राजनीति गर्म हो गई है। इसके बाद ही एक और रिपोर्ट नीतीश सरकार के लिए टेंशन पैदा करने वाली है, साथ ही विपक्ष को और मुद्दा देने वाली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। अक्टूबर के 13.9% की तुलना में नवंबर में 14.8% बेरोजगारी की दर दर्ज की गई है। सितंबर के 10% की तुलना करें तो 2 महीने के भीतर बेरोजगारी दर में 4.8% का इजाफा हुआ है। हालांकि नवंबर में देश के कई अन्य राज्यों में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है। शारीरिक अनुदेशकों को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, अनुदेशकों को मिलेगा 8,000 मानदेय। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश सरकार ने शारीरिक अनुदेशकों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। नीतीश सरकार राज्य के प्रारंभिक स्कूल में तैनात शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों को 8,000 रुपये मानदेय देने जा रही है। बता दें कि सरकार ने प्रति सालाना 200 रुपये की वेतनावृद्धि देने की बात कही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस मामला में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक नियुक्ति की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जल्द ही इन पदों पर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही पोस्टिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जिन विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनका एडमिशन RTI के जरिए हुआ है, वहां शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली की जाएगी।
सासाराम सदर अस्पताल का हाल, मोबाइल का फ्लैश जलाकर होता है इलाज, वीडियो वायरल। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा सरकार करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, यह सासाराम सदर अस्पताल से आई इस तस्वीर को देखकर ही समझा जा सकता है, जहां मोबाइल का फ्लैश जलाकर डॉक्टर ट्रामा सेंटर में मरीज का इलाज करते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में बिजली गुल थी, जिसके कारण टॉर्च की रोशनी से मरीज का इलाज किया गया। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की इस लच्चर व्यवस्था को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल यह तस्वीर रोहतास के सबसे बड़े हॉस्पिटल सासाराम सदर अस्पताल की है, जहां ट्रामा सेंटर में टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करते डॉक्टर नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल की पोल खोलती यह तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शनिवार की रात मरीज के इलाज के दौरान अचानक बिजली चली गई, जिसके बाद मोबाइल का फ्लैश जलाकर करसेरवा से आई रिंकू कुमारी का इलाज डॉक्टरों ने मोबाइल का फ्लैश जलाकर टॉर्च की रोशनी में किया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।